We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as a prime minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. I think anyone who, based on the fraudulent misrepresentations which were made by NAB against Mr. Nawaz Sharif, both as a citizen, ordinary citizen, and also as a former prime minister, they owe him an apology. I have no hesitation in issuing that apology on the record, in the full glare of TV cameras. The facts do not sustain the position that Prime Minister Sharif was corrupt. ब्रॉडशीट के सरबरा कावे मुसावी ने नवाज शरीफ से माफी मांग ली। इल्जामात से दस्तबरदार हो गए। तहकीकात में नवाज शरीफ और उनके खानदान के किसी रुकन के खिलाफ एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। हम नैब नामी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की गलत बयानी का शिकार हुए। नैब पूरे का पूरा फ्रॉड है। नवाज शरीफ को मकरू इल्जामात का निशाना बनाया गया। ब्रॉडशीट ने लूटी गई रकम का पता चलाने का मुआहदा किया था। कावे मुसावी का एतराफ इमरान खान के मुंह पर तमांचा है। कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ एक बार फिर सामने आ गया। 20 साल की इंक्वायरी में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। कौम के करोड़ों डॉलर्स नफरत की आग में झोंक दिए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आर्मी चीफ ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की, फौज के लिए जब कोई काम कहा नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया। जो मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे जो कई इज्तम हुए जो अपना फैटफ के हवाले से और इस तरह के, साफ अल्फाज में कहा कि मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अपना फौज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए ये फंड, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। ये मैं उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूँ। 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ पर 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं की जा सकी। मरियम नवाज का सरबरा ब्रॉडशीट के बयान पर रद्दअमल, कहती है नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखुरू कर दिया मगर मुसावी के माफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। बताना होगा कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार किसने दिया। हलीफ साथ नहीं, इमरान खान मुकम्मल तन्हा हो चुके। इत्तेहादियों की तरफ से ऐलान करने में एक दो दिन लगेंगे। मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौलाना की राय और मशवरों पर फैसला करेंगे। ऐसी हुकूमत का साथी बनने का शौक नहीं जो आवाम के लिए बेसमर हो। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 ए की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च से समाप्त करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखील बेंच में शामिल। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान के मामले पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर इमरान खान हवास बाख्ता हो गए। अपोजिशन गुगली कराएगी, इमरान खान क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हमजा शहबाज की तनकीद, जलसों में तड़ियां लगाने से बात नहीं बनती। इमरान खान अपनी अना के बुत तोड़ दें। लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो इमरान नियाजी को पता लग जाएगा कि जलसा क्या होता है। कश्मीर और फलस्तीन पर हम नाकाम हो गए। भारत कश्मीर में अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है। अफसोस है कश्मीर पर सारी दुनिया खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओआईसी इजलास से खिताब, मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया बढ़ा, इस्लाम का किसी तौर पर भी दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं बनता। इमरान खान का अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर जोर। चीन मुस्लिम दुनिया के साथ शराकतदारी के लिए तैयार, चीनी वजीर खाजा की फलस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत। फलस्तीनी आवाम का साथ देने का ऐलान, वांग जी कहते हैं चीन ने हमेशा आलमी इस्तेहकाम के लिए काम और ताबुन जारी रखा। ओआईसी इजलास में शिरकत की दावत देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। सऊदी वजीर खाजा का मसला कश्मीर और खुद मुख्तार फलस्तीन की हिमायत का ऐलान।
आर्मी चीफ से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी वजीर खारजा ने वज़राए खारजा काउंसिल की मेजबानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोई है जो डॉलर को लगाम डाले, रोज बरोज नए रिकॉर्ड बनने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 181.73 रुपए का हो गया। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों में 553 अरब रुपए का इजाफा। मौशी माहरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई भी बढ़ेगी। आइंदा वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, मंजूर वसान की पेशगोई। 24 मार्च के बाद काफ लीग और एमकेएम ऑपोजिशन में शमूलियत का ऐलान करेंगी। इमरान खान का खेल खत्म, हलवा तैयार पड़ा है, देखते हैं कौन खाता है। इमरान खान को अडियाला या खैरपुर जेल में रखेंगे।